दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल ऑफर की, हुडिया प्लस स्कीम। आई एम श्योर आपको ये मैसेज मिल गया होगा कि एक हुडिया प्लस पे दूसरा हुडिया प्लस मात्र एक रुपए में। तो ये स्कीम जो है ये 20 से 31 तारीख तक रहने वाली है, जब तक स्टॉक अवेलेबल है, ओनली ऑन रीपर्चेस अवेलेबल है और दूसरी किसी स्कीम से इसको क्लब नहीं किया जा सकता है। ये आपको आई एम श्योर जो हमारे नए पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसी स्टॉक को क्लियर करने के लिए लॉन्च की गई है, हमारा अंदाज़ा है। बाकी आई एम श्योर ये जो नए पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट आने वाले हैं इसको लेके हम सभी पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। अब हम बात करते हैं कि हुडिया प्लस के बेनिफिट क्या हैं। तो हुडिया प्लस एक स्लिमिंग कैप्सूल है जो कि तीन प्रकार के प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है। इन जड़ी बूटियों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। सब्सक्राइब शर्मा इंदौरी, प्रेस बेल आइकन और देखिए हमारे वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद। सो दोस्तों, जो स्लिमिंग कैप्सूल है हुडिया प्लस, ये बना है तीन प्रकार की प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, जो कि है हुडिया गॉर्डोनी, गार्सिया कम्बोजिया एंड कॉलेस फॉर्सकोली। हुडिया प्लस के फायदे क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कि हम इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं उसको बढ़ाता है, आपकी फैट को एनर्जी में बदलता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के वजन को मैनेज करता है। वजन कंट्रोल करने के लिए आदर्श आहार पूरक है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, स्टेमिना तथा ताकत को भी बढ़ाता है। तो इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट को आप ज़रूर यूज़ करिए और अपने वजन को मैनेज करिए। मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत सिर्फ वेट रिडक्शन नहीं होता है दोस्तों, इसमें जो लोग अंडर वेट होते हैं या कमज़ोर होते हैं उनको भी ये मदद करता है अपने वेट को मैनेज करने में। दोस्तों हुडिया प्लस के साथ में एक प्रोडक्ट हम आपको और रिकमेंड करेंगे जो कि है वेस्टिज डाइट्री फाइबर। वेस्टिज डाइट्री फाइबर भी तीन प्रकार के प्राकृतिक घुलनशील फाइबरों का मिश्रण है जो शरीर में जाने पर जेल में बदल जाता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया प्रक्रिया धीमी हो जाती है और वजन प्रबंधन में इससे सहायता मिलती है। ये पाचन प्रणाली में मदद करता है, हमारी आंतों को चिपकने मल को साफ करने में हमारी मदद करता है। ये कब्ज, गैस, एसिडिटी, खाना हजम ना होना आदि परेशानियों में भी बहुत फ़ायदा करता है। ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है। सो दोस्तों हुडिया प्लस और वेस्टिज डाइट्री फाइबर, आप ये दो प्रोडक्ट अपने वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रोडक्ट हम आपको रिकमेंड करना चाह रहे हैं वो है वेस्टिज का राइस ब्रेन ऑयल। अभी तक आई एम श्योर आप लोग या तो सोयाबीन का तेल या मूंगफली का या रिफाइंड तेल यूज़ करते थे, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तेलों में बहुत ज़्यादा फैट रहता है, कोलेस्ट्रॉल की कमी भी बहुत ज़्यादा रहती है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सेहत संबंधी परेशानियाँ भी होती हैं। बट दोस्तों अगर मैं राइस ब्रैन ऑयल की बात करूँ तो राइस ब्रैन ऑयल में सेहत और स्वाद का एक अच्छा मिश्रण आपको मिलता है। ये जो तेल होता है ये फिजिकल रिफाइंड पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षित किया जाता है, इसके फलस्वरूप इसमें ओरिजिनल के गुण बने रहते हैं। ये विश्व का सबसे सेहतमंद कुकिंग ऑयल है, इस ऑयल में ट्रांसफैट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ये दिल के लिए अच्छा होता है क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जापान के लोग इसे हार्ट ऑयल के नाम से भी बोलते हैं। उन सब के अलावा दोस्तों ये जो राइस ब्रैन ऑयल है ये हमारी हृदय संबंधी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नसों में रुकावट, याददाश्त की कमी, शुगर, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस एवं ट्यूमर रोधी संबंधी बीमारियों में भी हेल्प करता है। विश्व के सभी डॉक्टर राइस ब्रैन ऑयल को अपने भोजन में लेने की सलाह देते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये राइस ब्रैन ऑयल बनता कैसे है। जैसा कि आप इस फोटो में ये जो चावल का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे में से चावल को अलग करके ये जो छिलका बचता है, इस
छिलके से राइस ब्रेन ऑयल बना जाता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तेल कितना लाइट रहता है और सेहत के लिए कितना अच्छा रहता है। इस तेल की दो खासियत और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये आपके कंजम्पशन को भी कम करता है। अगर अभी तक आप अपने सब्जी में 3 या 4 चम्मच डालते थे तो राइस ब्रेन ऑयल मात्र आपको 2 या 3 चम्मच ही डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस तेल को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे तेल में जब हम पापड़ वगैरह कुछ तलते हैं तो उस तेल को हम सब्जी बनाने में रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, पर यह तेल की खासियत है कि इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी रिश्तेदारों से, अपने सभी डाउनलाइन से वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और नीचे लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। उसके अलावा दोस्तों, आप फ्यूचर में और किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं ये आप कमेंट करके बताएं, और इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो भी हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का बटन नज़र आ रहा है उसे प्रेस करिएगा, साथ ही में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।